वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल। आज मैं आपको मोटोरोला की तरफ से आपको अपडेट दूंगा, जो कि मोटोरोला ने बोला था कि 15 मार्च को आपको एक अपना फ्लैगशिप वाला फ़ोन लेके आएंगे जिसका नाम है मोटोरोला G5 Plus। तो आज मैं इस वीडियो में आपको मोटोरोला G5 Plus के बारे में बताऊंगा और उसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, वो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो किस प्राइस में आएगा वो भी बताऊंगा, अगर उसकी जो सेल होगी वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक देखते जाइए मेरे इस वीडियो को। इन फ्यूचर अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसके बारे में कि इसमें क्या मिलता है आपको, क्या कॉन्फ़िगरेशन है। बात कर लेते हैं स्क्रीन क्वालिटी की। स्क्रीन इसमें HD क्वालिटी मिलेगी बिल्कुल, और जो इसकी स्क्रीन का साइज होगा 5.2 इंच का स्क्रीन का साइज होगा। तो बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन में क्या मिलता है आपको। तो पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन में इसमें क्या है कि ये जो फ़ोन है फुल मेटल बॉडी के साथ है, 6 सीरीज मेटल बॉडी के साथ फ़ोन है, और आपको इसमें जो बटन्स होंगे ऑन ऑफ और वॉल्यूम के बटन होंगे वो लग तो रहे हैं मेटल में, बट वो फील आपको देंगे प्लास्टिक का, और इजी टू टच होते हैं। और बात करते हैं कि इसमें टोटली ये प्लास्टिक बॉडी है या टोटली ये मेटल बॉडी है। ओवरऑल आपको इस फ़ोन में देखने के लिए मिलेगा कि ये पूरा मेटल बॉडी के साथ आएगा, बट साइड में इसमें प्लास्टिक दिया। कंपनी का इसमें ये कहना है अगर हमसे प्लास्टिक नहीं देते तो इसमें जो सिग्नल क्वालिटी होती है, जिसमें सिग्नल रिसीव करता है जो रिसीवर है, वो अच्छी तरीके से इसमें सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम यूज़र को प्रॉब्लम आएगी अगर वो किस तरीके से इसमें जो सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर नहीं आएंगे, फिर बाद में लोग कंप्लेंट करेंगे कि हमारे सिग्नल नहीं आ रहे। इसलिए कंपनी का ये कहना है कि हमने इसमें आपको साइड में थोड़ा प्लास्टिक बॉडी दिया जिसकी वजह से इसमें सिग्नल अच्छे आए। बात कर लेते हैं हम इसमें कैमरे की। तो कैमरा जो हमारे को इसमें मिला है वो हमारे को 13 मेगापिक्सल मिला है, जो कि रियर कैमरा है, जो कि 2.0 के अपर्चर के साथ है। जो फ्रंट में जो कैमरा है वो हमारा है 5 मेगापिक्सल कैमरा, जो कि 1.7 अपर्चर के साथ है। जो 1.7 अपर्चर के साथ है वो गुड फॉर अ सेल्फी, सेल्फी के लिए अभी तक का देखा जाएगा बेस्ट क्वालिटी माना जाएगा जो कि इस मोटोरोला ने आपको दिया है। एज कम्पेरेटिव अदर आपने देखोगे जितने 5 मेगापिक्सल कैमरा होते हैं, जो 8 मेगापिक्सल कैमरा होते हैं इन फ्रंट, वो इतना काम नहीं करते, पर इन्होंने मोटोरोला ने आपको ये बोल दिया कि इसके मुकाबले का आज तक आपको फ्रंट कैमरा नहीं मिलेगा। तो चलिए बैक कैमरे की बात कर लेते हैं, जो कि 13 मेगापिक्सल कैमरा है, बहुत ही अच्छा कैमरा लगा है। इसके कुछ पिक्चर्स भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। और बात कर लेते हैं कि इसमें LED फ्लैश है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, LED फ्लैश में दिया है, ड्यूल टोन LED फ्लैश दिया है। मुझे सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी है कि इसमें ड्यूल ऑटो फोकस दिया है, जिसकी वजह से जो फोकसिंग होती है पिक्चर में वो आपको अच्छी मिलेगी, और जो ब्लर इफेक्ट होता है आपने देखा होगा कि जो पिक्चर में पीछे जो बैकग्राउंड होता है जो ब्लर हो जाता है वो इसमें बहुत अच्छा मिलेगा। कंपैरेटिव आईफोन के बारे में बात करें, जिस हिसाब से आपने देखा होगा आईफोन 7 में जैसे ब्लर इफेक्ट बड़ा मिलता है, वैसे इसी फोन में आपको ब्लर इफेक्ट मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। प्रोसेसर में 625 का प्रोसेसर मिला है, जो कि 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ आया है, जो कि बेस है 8X कोटेक्स A53 टेक्नोलॉजी के साथ है। बात कर लेते हैं क्लॉक स्पीड की। जो क्लॉक स्पीड आपको 2 GHz की मिलेगी, इट्स अ ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो ये फोन आ रहा है आपके पास, ये मार्शमेलो के साथ आ रहा है, और कुछ दिनों बाद ही इसमें नौगट आपको अपडेट दे देगा मोटोरोला। बात कर लेते हैं इसमें वेरिएंट्स क्या क्या मिल रहे हैं। तो 32 GB वाला जो फोन है उसमें 4 GB रैम मिलेगी, और जो 16,999 रुपये का होगा, और जो अगला वेरियंट है वो है हमारा 3 GB के साथ, और जो कि 16 GB इंटरनल होगी, जो हमारे को 14,999 मिलेगा। मोबाइल कंपनी आजकल नए से नई चीज निकाल रही है, सब कुछ नया निकाल रही है, रैम को अपग्रेड कर देती है, मेमोरी को अपग्रेड कर देती है, प्रोसेसर को अपग्रेड कर देती है, पर यहाँ देखते हैं बैटरी के मामले में ये फ़ोन फिर पीछे रह गया, क्योंकि इसने जो बैटरी दी है 3000 mAh की बैटरी दी है, वो मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा बैकअप देगी आपको, मोर देन 1 डे तो दे ही नहीं सकती। मुझे इस फ़ोन में ये चीज़ अच्छी लगी है जो कि आपको फास्ट चार्जिंग देती है, जो कि 15 वाट के साथ इसका जो चार्जर है वो आपको फास्ट चार्जिंग देगा, विद इन 1 आवर आपको ये फुल चार्जिंग सपोर्ट दे देगा। तो बैटरी के मामले में ये फ़ोन हमारे लिए ऐसे है। और बात कर लेते हैं अब इसकी कि ये फ़ोन वाटरप्रूफ है कि नहीं है। जी हाँ, ये वाटरप्रूफ प्रॉपरली कम्प्लीटली वाटरप्रूफ नहीं है, बस ये वाटर रिपेलेंट कोटिंग के साथ आया है, नैनो कोटिंग। अब बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की, कि ये ड्यूरेबल कितना है आपके हाथ में, कैसे रहेगा अगर ये ड्रॉप हो जाता है तो, अगर ये पानी में गिर जाता है तो ये ड्यूरेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। जी हाँ बिल्कुल है, कंपनी ने इसमें बोल दिया है कि अगर ये पानी में गिर जाता है तो विद इन 10-15 सेकेंड के अंदर आप इसको निकाल लेते हैं और जस्ट झाड़ देते हैं, इसके बाद आप ये फ़ोन ठीक हो जाएगा। और इन्होंने क्योंकि इसलिए बोला है क्योंकि इसमें वाटर रिपेलेंट नैनो कोटिंग इन्होंने की है इस फ़ोन में, और जो इस फ़ोन में ड्रॉप टेस्ट है वो भी इन्होंने अच्छा किया है, और इन्होंने बोला है कि ये अब इतनी जल्दी टूटेगा नहीं फ़ोन, और
बात कर लेते हैं इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर की। आजकल जितने भी आपने फोन देखे होंगे बैक साइड में जस्ट कैमरे के नीचे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, बट इस फोन में आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ऑन द स्क्रीन जस्ट जो होम बटन होता है अपने फोन का उसमें ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिला है। आज इस फोन की सेल है फ्लिपकार्ट पे, तो जिसने भी लेना होगा उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा फ्लिपकार्ट का, तो आप वहां से जाके ले सकते हैं। आज की वीडियो में ब्रांड इतना ही था, अगर आपको कोई सुझाव हो कोई क्वेश्चन हो तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां लिखिए जाके, और मैं कोशिश करूंगा उसका जल्दी से जल्दी आपको आंसर दूंगा। बस यूं ही अपना प्यार बांटते रहिए, जो सब्सक्राइबर हैं वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड, ये चैनल आपका ही है, आप भी बनाओगे इस चैनल को। और आज की वीडियो में इतना ही था, बस थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you.